गर्मी के बढ़ते प्रकोप ने आम जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बढ़ती गर्मी ने आम जन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ गर्मी में इजाफा तो दूसरी ओर तेज धूप ने भी त्राही मचा रखी है। लोग गर्मी और तेज चिलचिलाती धूप के चलते घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं विद्युत कटौती में भी इजाफा कर दिया गया। रोज घंटों बिजली के गुल रहने से क्षेत्र के लोगों में विद्युत विभाग के लिए नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं वाटर लेवल कम होने से शहर और घरों में लगे नल टंकियां सूखने लगी हैं। बात करें गर्मी से स्वास्थ्य पर असर पड़ने की, तो तापमान में बढ़ोतरी के चलते शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या में भी रोज इजाफा हो रहा है। तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंचने से लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीज आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बढ़ती गर्मी ने व्यापार पर भी खासा असर डाला है। सुबह से शाम तक गर्मी के प्रकोप के बीच बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग तेज धूप और गर्मी के कारण कम ही घरों से निकल पा रहे हैं। व्यापारियों की माने तो इस गर्मी में व्यापार ठंडा हो गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो तराई में 18 जून से पहले बारिश का होना संभव नहीं है। मरीज आ रहे हैं वो बुखार के और डायरिया इत्यादि के आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे चिकित्सकों द्वारा उनको सलाह दी जा रही है कि बासी भोजन ना करें, सड़े गले फल इत्यादि का सेवन ना करें, ताज़ा भोजन खाएं और जो दोपहर के समय में तेज़ धूप में निकलने से बचें, और जब निकलना आवश्यक हो तो शरीर को ढकते हुए अर्थात छाता इत्यादि का प्रयोग करें, नारियल पानी पिए और घर से पानी इत्यादि पी के निकले और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। और लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे आम जनता और हमें बहुत परेशानी हो रही है। ना कोई कस्टमर आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 24 घंटे में सिर्फ 5-6 घंटे ही लाइट आ रही है। इन्वर्टर तक मेरा डाउन हो गया है। अब क्या करें, इस गर्मी में कोई कस्टमर तो आ नहीं रहा, खाली बैठे हुए हैं। आप ही देख लो कैसे पसीने टपक रहे हैं हमारे।